हाय गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूँ एक क्रीपर फार्म, जिसकी आप बहुत ज्यादा लिटरली यार बहुत ज्यादा कमेंट कर रहे थे, तो फाइनली लेकर आ चुका हूँ। और ये आपके सारे बेडरॉक एडिशंस में वर्क करेगा, जैसे विंडोज 10 पॉकेट एडिशन, मैं जिसमें अभी बना रहा हूँ पॉकेट एडिशन, विंडोज 10, PS4, निंटेंडो स्विच, एक्सबॉक्स, सारे में वर्क करेगा। और मैं अभी 1.16 में बना रहा हूँ और 1.16 के सारे वर्जन में वर्क करता है, तो उसका ध्यान रखना भाई। अगर आप 1.17 के टाइम पे देख रहे हो तो पता नहीं क्या क्या होगा। तो इस फार्म को बनाने के लिए आपको ओशन बायोम के ऊपर जाना होगा, ओशन से 64 ब्लॉक्स अबो जाना होगा, तभी ये फार्म अच्छे से वर्क करेगा। नहीं तो अगर आप कोई लाइन पे बनाओगे तो वो केओ स्पॉन और सरफेस स्पॉन मेस होता है भाई, ओशन के ऊपर ही फार्म बनाना ये वाला। बट मैं अभी फ्लैट लैंड में हूँ तो यहाँ पर कोई केव नहीं होगी, सो केओ स्पॉन और सरफेस स्पॉन इस फार्म में होगा। तो आपको आपके इन्फाइनाइट वर्ल्ड में ऐसा करने के लिए ओशन के ऊपर ही फार्म बनाना होगा। तो भाई ओशन के ऊपर ही बनाना, तो सबसे पहले आपको लेना है हॉपर, और इस तरीके से चार हॉपर लगा देने हैं एक चेस्ट में जो कि यहाँ पर है, और इसके अराउंड आपको ब्लॉक्स लगा देने हैं और 20 ब्लॉक्स ऊपर ले जाना है इस तरीके से। तो अभी मैं हूँ 5 पे, सो 25 लेवल तक मुझे जाना है। तो ये हो गया 25, और इसको चारों तरफ से ऐसे ही फिल करना है, तो इस तरीके से कर देना है। और यहाँ पर ये चेस्ट के ऊपर के दो ब्लॉक आपको छोड़ने हो, क्योंकि आप यही से क्रीपर्स को मारोगे। और फिर सो यहाँ पर एक ट्रैप डोर लगा देना ताकि क्रीपर्स आपको देख के फटे ना, और आप चेस्ट भी खोल सकते हो आसानी से क्योंकि इसके ऊपर कुछ नहीं है। सो इतना जाने के बाद अभी आपको जाना है ऊपर, और ऊपर आपको यहाँ से 8 ब्लॉक दूर जाना है, मतलब इस वाले ब्लॉक को पकड़ के 8 ब्लॉक दूर जाना है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो इस तरीके से आपको चारों साइड से कर देना है। तो इतना हो जाने के बाद अभी आपको इसको ऐसे कवर कर देना है, और कॉर्नर के ब्लॉक आप स्किप कर सकते हो, मुझे स्किप करना पसंद है। तो इस तरीके से कवर कर देना है चारों साइड में, तो भाई ऐसे कर दो। तो इस तरीके से आपको आपका फार्म दिखाई देगा। तो अभी आपको वाटर बकेट लेनी है और चारों साइड में ऐसे डाल देना है ताकि यहाँ पर जो क्रीपर आएंगे वो सीधा नीचे गिरेंगे और आपके किलर चेंबर में आ जाएंगे, और फिर आप उनको मार सकते हो। भाई क्या हो गया, तो इस तरीके से कर देना है। और अभी आपको सॉलिड ब्लॉक लेना है और यहाँ से एक एक ब्लॉक ऊपर जाना है इस तरीके से, और फिर आपको ऐसा चारों साइड में करना है, और इस तरीके से कर दो फटाफट से। सो इतना हो जाने के बाद अभी आपको लेना है बटन्स लेने हैं आपको, और फिर आपको इस तरीके से अल्टरनेट पैटर्न्स में आपको बटन्स लगाने हैं, मतलब यहाँ पर लगाया तो ये वाला ब्लॉक छोड़ देना है और यहाँ पर लगाना है। इसी तरीके से दूसरी लाइन में इस तरीके से अल्टरनेट लगाना है, मतलब यहाँ पर लगाया है ना तो इसके सामने वाले ब्लॉक को नहीं लगाना है, तो इस तरीके से पैटर्न बन जाएगा। तो ये बहुत ज्यादा आसान है यार, कर दो फटाफट से। सो इस तरीके से कर देना है, और यहाँ पर आपको दो ब्लॉक्स ऊपर जाना है इस तरीके से, और एक ब्लॉक रख देना है और इसको कवर कर देना है पूरा। तो इतना देने के बाद अभी आपको चाहिए ट्रैपडोर, और ट्रैपडोर आपको ये जो छत वाली लाइन है ना, इसको आपको सारे में लगा देना है इस तरीके से, ट्रैपडोर पूरा लगा दो, एक भी ब्लॉक छूटना नहीं चाहिए। तो बेसिकली ये फार्म कैसे वर्क करता है बता देता हूँ पहले। तो क्या होता है कि यहाँ पर ये बटन जो है ना वो स्पाइडर को स्पॉन होने से रोकते हैं ताकि सिर्फ क्रीपर ही स्पॉन हो। तो क्रीपर को स्पॉन होने के लिए पूरी दो ब्लॉक की हाइट नहीं चाहिए, उसे थोड़ी कम चाहिए होती है। तो इतने हाइट में क्रीपर स्पॉन होते हैं, और इतने हाइट में स्केलेटन, जॉम्बीज, एंडरमैन ये सब स्पॉन नहीं हो सकते। तो यहाँ पर सिर्फ क्रीपर ही स्पॉन होंगे, दूसरी कोई स्पॉन नहीं होगी, क्रीपर के स्पॉन का रेट भी नहीं गिरेगा। तो बेसिकली ऐसे ही ये फार्म वर्क करता है। तो इस तरीके से आपको पूरे रूफ पे ऐसे ट्रैपडोर्स लगा देने हैं, तो मैं फटाफट से कर लेता हूँ। सो ये कंप्लीट हो चुका है, और यहाँ पर सिर्फ क्रीपर ही स्पॉन होंगे। तो अभी आपको क्या करना है कि आपको इसके ऊपर ऐसे तीन लेयर्स बनाने हैं, मतलब ये हो गया एक लेयर, और इसके ऊपर एक इस तरीके से बटन्स का लेयर आएगा, और फिर इस तरीके से दो हाइट का ये ब्लॉक्स गैप रहेगा, और फिर इसके ऊपर आएगा एक ट्रैपडोर, मतलब एक क्या भाई इस तरीके से इस पर छत बनेगी और उसके नीचे आएंगे सारे ट्रैपडोर्स, और इसके ऊपर एक और लेयर बनानी है। तो कम से कम आपको तीन लेयर तो बनाना ही होगा कम से कम गन पाउडर के लिए, और अगर आपको ज़्यादा गन पाउडर चाहिए तो आप मैक्स 5 लेवल तक उसको कर सकते हो, और ज़्यादा ही आपके पास टाइम है तो आप 6 लेवल तक भी बढ़ा सकते हो, बट 5 और 6 के बीच में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। तो आप मैक्सिमम 5 लेयर का बनाओ, और ऐसा ही आपको चारों साइड में कर देना है। तो मैं अभी 3 लेयर का बना रहा हूँ क्योंकि मुझे कोई सर्वाइवल नहीं खेलता है, तो मैं 3 लेयर का बना रहा हूँ, और ये सारा स्किप कर दूंगा क्योंकि यार बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, तो क्रिएटिव में भी ज़्यादा वक्त लगता है, तो इसलिए मैं स्ट्रक्चर ब्लॉक का यूज़ कर रहा हूँ, तो ये सब मैं स्किप कर दूंगा। तो सारे लेयर्स बनने के बाद आपका फार्म कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। सो आपको लेयर्स बनने के बाद यहाँ पर ऐसे ट्रैपडोर्स लगा देने हैं ताकि ये क्रीपर्स जो है इनको फुल ब्लॉक समझेंगे, और फिर इनके ऊपर से चल के आएंगे और फिर वाटर में गिरेंगे, और फिर वो आ जाएंगे आपके किलिंग चैम्बर में। तो आपको अगर ज़्यादा बड़ा फार्म बनाना है, इसके आपको दो लेयर और बढ़ाने होंगे, तो उससे ज़्यादा क्रीपर स्पॉन, मतलब गन पाउडर आपको ज़्यादा मिलेगा। तो इसका ध्यान रखना, अगर आपको बड़ा चाहिए तो बड़ा कर सकते हो। तो अभी आपको इस पूरे एरिया को पूरा कवर कर देना है,
ताकि यहाँ पर पूरा अंधेरा हो जाए, और फिर अंधेरे में ही क्रीपर स्पॉन होते हैं, आपको पता ही होगा लाइट लेवल 7 के नीचे स्पॉन होते हैं, तो इसको आपको पूरा कवर कर देना है। तो मैं ये फटाफट से कर लेता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो ये फार्म बन के रेडी है, तो इस तरीके से मैंने सारा कवर कर दिया है। एक बार मैं आपको अंदर चल के दिखा देता हूँ, बट सबसे पहले नाइट विजन लगा लेता हूँ। सो आपको दिखा देता हूँ अंदर से फार्म कैसा दिखता है। भाई यहाँ से तोड़ना नहीं था। हाँ ये रहा, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। अभी मैं नाइट विजन लगा के हूँ इसलिए तो पूरा दिख रहा है, बट अगर मैं नाइट विजन हटा देता हूँ तो कुछ भी नहीं दिखेगा। तो मैं मिल्क ले लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा अंधेरा है, और अगर मैं यहाँ पर दो ब्लॉक्स लगा देता हूँ तो भाई कुछ भी नहीं दिखेगा। तो इसमें क्रीपर स्पॉन होंगे और फिर ये नीचे गिर के हमारे चैम्बर्स में आएंगे, किलिंग चैम्बर में, और शायद यहाँ से और यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रीपर अभी से स्पॉन होना स्टार्ट भी हो चुके हैं। तो मैं बाहर आ चुका हूँ फार्म की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक क्रीपर अभी स्पॉन हुआ है जस्ट, तो इसको भी मार देता हूँ। और थोड़े बहुत और स्पॉन हो चुके थे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 गन पाउडर ऑलरेडी यहाँ पर फार्म बनाते बनाते ही मिल चुके हैं मुझे। और ये बैट्स भी स्पॉन हो रही है क्योंकि नीचे कोई केव नहीं है, तो भाई अंधेरे में बैट्स यहीं पर स्पॉन होंगी। तो इस तरीके से आपका फार्म रेडी हो जाएगा। तो आपको अभी एफ के जाने के लिए थोड़ा प्लेटफॉर्म बनाना होगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ से 10 ब्लॉक्स ऐसे डायगोनली डिक करने होंगे, और मतलब काउंट करने होंगे, और फिर यहाँ पर 10वें ब्लॉक पे आपको एफ के करना है। तो अभी यहाँ पर एक क्रीपर जल्दी स्पॉन नीचे गिरेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो नीचे गिर चुका है, और इनको मारने के लिए आपको एक शॉट चाहिए होगी कोई सी भी, क्योंकि शॉट से ये 1 हिट में मर जाते हैं, और इससे आपकी आपको एक्सपी भी मिलती है। तो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। दो क्रीपर है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 हिट में मर जाते हैं शॉट से। सो गन पाउडर भी मिलता है हमें, और यहाँ पर आप एफ के करोगे तो नीचे क्रीपर्स गिरेंगे। और ये एक बात का ध्यान रखना, क्योंकि ये बेडरॉक है, बहुत ज़्यादा फास्ट क्रीपर स्पॉन नहीं होंगे, मतलब स्लो मतलब उतने भी स्लो नहीं होंगे, बट जावा एडिशन के जैसे स्पॉन नहीं होते, तो आपको थोड़ा वेट करना होगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं इतने सारे क्रीपर स्पॉन हो चुके हैं, 3 ही है, बट अब इतने ही काफ़ी है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आ गई होगी। और यार वीडियो आप अभी तक यहाँ तक देख रहे हो तो यार आपको बहुत बहुत थैंक यू, और यहाँ तक देख ही रहे हो तो यार कमेंट सेक्शन में लिख दो आयरन फार्म ओपी, क्योंकि आयरन फार्म की मदद से ही मेरा चैनल इतना ग्रो हुआ है। तो यार लिख दो और लाइक शेयर जरूर से कर देना ताकि ये वीडियो वायरल हो जाए, तो एक बार फिर से मेरे चैनल पे मतलब बूम होगा। सो आपके चैनल भाई का चैनल ग्रो हो गया, तो यार लाइक शेयर जरूर से कर देना, और सब्सक्राइब तो आपने किया ही होगा। सो थैंक यू फॉर ऑल द सपोर्ट, और मैं मिलता हूँ सबको अगले वीडियो में। तब तक के लिए पीस आउट।